नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हेल्प यूट्यूब चैनल और मैं हूं जी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा एक ऐसा क्विज चलाया जा रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बिल्कुल फ्री में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ में आप जो है 3000 रूपए तक जो है प्राइज भी जीत सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल्स में समझाने वाले हैं कैसे आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है और कैसे आप सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सर्टिफिकेट फ्री में आप डाउनलोड कैसे करेंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आप दोस्तों क्विज में भाग लेते हैं, अगर आप पैसा जीतेंगे तो आपको कैसे जानकारी प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है। दोस्तों इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा जो डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है, जिससे उस पर क्लिक करेंगे तो बिहार का नंबर वन एजुकेशन वेबसाइट www.biharhelp.in के वेबसाइट पे चलेंगे। यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारा कॉलम आपको देखने को मिल जाएगा, लेटर जॉब रिजल्ट एडमिट कार्ड एडमिशन से रिलेटेड। तो आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए इसके बारे में बताएंगे तो देख सकते सरकारी योजना में आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्विज 2023, इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिया डायरेक्ट इस वाले पोस्ट का लिंक दे रखा ताकि आपको आने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब यहाँ पाएंगे तो इस क्विज से रिलेटेड हर एक जानकारी बताएगा, अच्छी तरह समझाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं शॉर्टकट तरीके से। सबसे पहले बात कर ले तो जो भी इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया का डेट रखा गया था 17 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया है और लास्ट डेट की बात किया गया है 15 नवंबर तक, यानी एक महीना तक ये चलता है लमसम, आप समझ सकते हैं लगभग में, यानी 15 नवंबर तक इसका लास्ट डेट रखने वाला है। अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपका सारा आंसर सही रहता है तो आप 3000 रुपये का कैश आप जीत सकते हैं, ठीक है, यानी सर्टिफिकेट के साथ साथ 3000 रुपये भी जीत सकते हैं। अब ये हो गया इसका लाभ। अब चलिए समझ लेते हैं इसको लेकर क्यों शुरू किया गया था, क्या जानकारी बताया गया, नियम शर्तें क्या रखा गया। तो यहाँ से बताया गया नियम और शर्तें, इस क्विज में भारत के सभी निवासी भाग ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप भारतवासी किसी भी राज्य से, महिला है या पुरुष है या लड़के हैं या स्टूडेंट है कोई भी है, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, भारत के निवासी होना चाहिए। और दूसरे बताया गया सभी प्रतिभागियों का अपना नाम, ईमेल पता, मोबाइल नंबर और शहर प्रदान करता है, ठीक है। मानी उसके जो भी आप इसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो जहाँ पे आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, अपना जो भी एड्रेस वगैरह होगा ये सब भरना पड़ेगा। तीसरे ने बताया एक ही मोबाइल नंबर पे एक ही ईमेल आईडी के क्विज में एक से अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इस क्विज में भाग लेते हैं तो एक मोबाइल नंबर ही से भाग ले सकते हैं और एक ईमेल आईडी से। आप सोचेंगे कि हम दो बार भाग ले रहे हैं एक ही मोबाइल नंबर से, तो ऐसा नहीं हो सकता, एक मोबाइल नंबर से एक ही बार भाग ले सकते हैं, और इसके बाद एक बार प्रविष्टि प्रस्तुत की गई है तो उसके वापस नहीं लिया जा सकता। यानी जो भी आपने आंसर दिया है, अगर आपको लगता है कि हमने गलती दे दिया तो आप उसे सुधार करना चाहते हैं तो सुधार नहीं हो सकता है, यानी एक बार आपको सोच समझ कर ही देना है जो भी आंसर देना है। ये सारी जानकारी दिया है क्विज में देशभक्ति के स्वरूप में उपलब्ध है, जिसमें प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको दिखलाई देगा। क्विज का अधिकतम समय जो भी होगा 5 मिनट यानी 300 सेकेंड होगा, जो कि आपको यानी कि इसके यानी 5 मिनट के अंतर्गत आपको सवालों का जवाब दे देना है। प्रतिभागियों क्विज में केवल एक प्रविष्टि अनुमानित है। क्विज प्रतिभागी किसी शुरू करने के क्विज बटन पर क्लिक करना होगा, इसमें सारा जानकारी बताया गया। चलिए अब इसके बाद पार्टिसिपेट करके हम आपको लाइव दिखला देते हैं ताकि आप इसके लिए पार्टिसिपेट करें और 3000 रुपये जीते। तो नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं इंपोर्टेंट लिंक का ऑप्शन आपको दिखलाई देगा, इंपोर्टेंट लिंक, यहीं पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डायरेक्ट लिंक टू पार्टिसिपेट का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जिस इस पे क्लिक करेंगे तो माय गवर्नमेंट का ऑफिशियल यानी कि पोर्टल पे चलेंगे, जहाँ पे दिखलाई देगा इस तरह के जो कि गवर्नमेंट का पोर्टल है। यहाँ पे आएंगे तो साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप विद का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस तरह का ऑप्शन देखते लॉग इन टू प्ले क्विज का ऑप्शन दिखाई, जो कि 10 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 30 सेकेंड आपको समय मिलेगा 10 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद लॉग इन टू प्ले क्विज का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको हम बता दें जानकारी के लिए, अगर आप पहली बार कर रहे हैं और इसके इससे पहले भी अगर कुछ खेले हुए हैं यानी पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो आपको केवल यहाँ से मोबाइल नंबर डालकर उस पर लॉग इन विथ OTP का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार है नए हैं तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके आप सबसे पहले आपको फुल नेम, ईमेल आईडी, आपको इंडिया सेलेक्ट रहने देना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से क्रिएट ए न्यू अकाउंट ऑप्शन में क्लिक करके तो आपको जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर OTP जाएगा, OTP फिल कर देंगे। उसके बाद आपको लॉग इन का ऑप्शन में क्लिक कर देना है, लॉग इन का ऑप्शन क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद लॉग इन विथ OTP का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बताते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम ब्लर किए हैं, आप भी अपना देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा अगर हम मोबाइल नंबर दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, लॉगिन विद OTP का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, OTP डाल देना है, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन होगा आपको दिखाई देगा, जैसे स्टार्ट क्विज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है।
अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डिस्प्ले पर जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है यानी 10 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। यानी कि 4, 5, 6, 7 जो भी क्वेश्चन का पहला मतलब पहले जवाब देना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो यहाँ से करके देख सकते हैं और बारी बारी से आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं। अब हम सही आंसर नहीं दे रहे हैं, बस आपको बताने के लिए हम इसे कर रहे हैं, तो आप अपना सही आंसर दीजिएगा। दोनों देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने इसमें क्लिक करके उस नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दिए, जो भी आपको क्वेश्चन दिखलाई देगा इस तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट कर करके उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। क्वेश्चन का जवाब देकर आपको यहाँ से स्टिक आउट करके उसको फिनिश क्विज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेट ऑन द क्विज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। हमने ऑलरेडी बहुत से इस क्विज था, हमने भाग लिया था, तो आपको दिखाई देगा। अगर आपने पहली बार भाग लिया तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कौन कौन से क्विज में आपने भाग लिया है। उसके बाद आपको ये स्कोर दिखलाई देगा, आप कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, कितना मतलब आपका क्वेश्चन सही है, आप यहाँ से भी स्कोर देख सकते हैं। अगर आपका सारा क्वेश्चन सही रहता है तो आपको मोबाइल नंबर जो भी दिए होंगे, ईमेल आईडी जो भी दिए होंगे, उस पर ओटीपी चला जाएगा, ताकि आप इसमें पार्टिसिपेट किए हैं तो आपका स्कोर इतना है। अगर आप पैसा जीते होंगे तो उसी मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से लॉग इन करके आप अपना देख सकते हैं। इस तरीके से आप भाग ले लीजिएगा। और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो जो भी आपने खेला होगा, जैसे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ 2023 क्विज का ऑप्शन दिखाई दे, इस पर हम क्लिक करते हैं और आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो हमने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया, हमने ऑलरेडी बहुत से इसमें पार्टिसिपेट किए थे, तो आपको दिखाई देगा इस तरीके से, आप अपना देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।